बॉलीवुड की एक और टॉप सुपरस्टार एक्ट्रेस की हो चुकी है मैरिज, नाम है सोनाक्षी सिन्हा। और इनकी मैरिज रिसेप्शन में बहुत बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की, खासतौर से शत्रुघ्न सिन्हा के जमाने के जो लोग थे वो पहुंचे, फिर चाहे वो सायरा बानो हो या बाद में अजय देवगन की वाइफ काजोल और तब्बू। हालांकि एक चेहरा सबको देखने की जो तमन्ना थी वो दिखाई नहीं दिया, और वो थे धर्मेंद्र। बिकॉज धर्मेंद्र के पोते यानी सनी देओल के बेटे करण देओल की जब मैरिज हुई थी तब शत्रुघ्न सिन्हा वहां पर पहुंचे थे, और धर्मेंद्र के साथ उनका जो वीडियो था बहुत ही पॉपुलर हुआ था, बहुत ही वायरल हुआ था। आपको याद होगा उस मैरिज में धर्मेंद्र अपनी सुध में नहीं थे, तब शत्रुघ्न सिन्हा पीछे से उनको बुला रहे थे, और फिर दोनों को जिस तरह से मिलकर याराना दिखा गया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसलिए उम्मीद की जा रही थी शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की मैरिज करेंगे तब देओल परिवार को तो इन्वाइट करेंगे, और हो सकता है देओल परिवार के बाकी लोग आगे अपनी ड्यूटी निभा चुके हों, लेकिन धर्मेंद्र का ना आना कहीं ना कहीं उस फ्रेम को मिस करता है जो सनी देओल के बेटे की मैरिज में देखा गया। वैसे भी आजकल धर्मेंद्र अपनी सेहत से जूझ रहे हैं, उनके पैर में अक्सर प्लास्टर बना देखते हैं सोशल मीडिया पर, उनके वीडियो आते हैं और फार्म हाउस पर अपनी यादों में अपने नशे में खोए रहते हैं। कई बार पुराने दौर को याद करके इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक अपीयरेंस में बहुत कम आते हैं। यहाँ तक कि पुरानी उनकी कुछ फिल्में देख लेंगे, रॉकी रानी की प्रेम कहानी हो या फिर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इन सारी फिल्मों में धर्मेंद्र बहुत हद तक फिजिकली एक्टिव और फिट नहीं है। ऐसे में हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा की बच्ची की मैरिज में उनका आना हेल्थ पर्पज से ना पॉसिबल हुआ हो, लेकिन अगर वो आ जाते किसी भी तरीके से, व्हील चेयर पर भी आ जाते, तब भी एक तरह का सोशल स्टिग्मा हो जाता और शत्रुघ्न सिन्हा घर में रौनक आ जाती। धर्मेंद्र शत्रुघ्न ने करियर एक ही तरह पर स्टार्ट किया और शत्रुघ्न सिन्हा से आगे निकल के धर्मेंद्र। कहते हैं धर्मेंद्र ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपने कैरियर में बहुत सारी हेल्प की थी नेगेटिव रोल दिलाने में, यहाँ तक कि नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में भी धर्मेंद्र ने बहुत अच्छी फिल्मों में रिकमेंड किया था। विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ये दो लोग ऐसे जो धर्मेंद्र का एहसान आज भी मानते हैं, इसलिए धर्मेंद्र का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी था। लेकिन धर्मेंद्र नहीं दिखे तो पेपराजी भी मायूस दिखे। हालांकि शत्रुघ्न खुद अपनी बच्ची की मैरिज से बहुत पहले खुश नहीं थे और किसी तरीके से उस बात को लेकर एग्री हो चुके हैं। वैसे तो सोनाक्षी सिन्हा की मैरिज में बहुत नामी चेहरे थे, यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा के मामा भी मौजूद थे, बट धर्मेंद्र के होने से या फिर उनके ब्याह पर सनी, बॉबी और बाकी पारिवारिक मेंबर होने से बात कुछ और हो जाती, यहाँ तक कि सनी देओल की सौतेली माँ हेमा मालिनी का होना भी बहुत मायने रखता है। बहरहाल हो सकता है आने वाले वक्त में हम धर्मेंद्र को, शत्रुघ्न सिन्हा को, सोनाक्षी को आशीर्वाद देते हुए देखें।